दो छात्रों की खुदकुशी पर जमकर हंगामा हुआ है। आरोप है कि जब प्रिंसिपल ने दो छात्राओं को कॉलेज परिसर में होली खेलने से मना किया तो दोनों ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से नाराज लोगों ने आज जमकर हंगामा किया है। खुदकुशी करने वाली छात्रा 10वीं क्लास में पढ़ती थी। वहीं मृतक छात्रा के परिजन ने कॉलेज मैनेजमेंट पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। होली खेलने से मना किया गया था इन छात्रों को, छात्राओं को, और इन्होंने उससे गुस्से में आकर जो पनिशमेंट इन्हें मिली थी उसके बाद इन्होंने खुदकुशी कर ली। इसके बाद परिवार वालों ने हंगामा किया है। बेंगलुरु से खबर है जहां दो छात्राओं ने खुदकुशी कर ली है। होली खेलने से मना किया गया था और उसी पर उन्होंने अपनी जान दे दी। दो छात्राओं को होली खेलने से मना किया गया और उसके बाद उन्होंने जान दे दी। बेंगलुरु से खबर है जहां सोमवार के दिन होली खेलने से दो छात्राओं को मना किया गया और उन्होंने खुदकुशी कर ली है। लेकिन महज होली खेलने पर से मना करना और उस पर किसी का खुदकुशी कर लेना, ये अपने आप में रहस्य है। परिवार वालों से पूछा जा रहा है। केजे शिवासन संवाददाता बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। शिवासन, ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है जानना कि आखिर होली खेलने से मना किया गया था इन छात्राओं को और उसके एवज में उन्होंने अपनी जान दे दी। ये बिल्कुल, देखिए यदि परिवार वालों की मांग माने तो उनका यही आरोप है कि जिन्होंने स्कूल में होली खेलने की कोशिश की थी, जिसके चलते तो उन्हें इस तरह का प्रिंसिपल की ओर से काफी डांट लगाई गई थी सभी बच्चों के सामने, और परेशानी की हालत में इस तरह तालाब में अपने आप को कूद कर सुसाइड करने को मजबूर हुए। लेकिन पुलिस को एक चिट भी मिला है, एक चिट्ठी मिली है इन बच्चों के पास, जिसमें यह लिखा हुआ कि टीचर ने उन्हें बकायदा डांटा था, स्कूल में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, उनके माता पिता से शिकायत की भी चेतावनी दी थी, जिसके चलते वे काफी तनाव थे। तो पुलिस का वर्चन फिलहाल होली के एंगल से बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन परिवार वाले यही आरोप लगा रहे हैं कि होली खेल के गए थे तो घर पे उनके मुंह पे कलर लगा हुआ था, उसके बाद स्कूल में और अपने कुछ साथियों को गुलाल लगाने की उन्होंने कोशिश की थी और उसी के चलते यह पूरा हादसा हुआ है। नहीं, सार्वजनिक तौर पर अगर उन्हें किसी तरह की डांट भी लगाई गई तो उन्होंने जान दे दी, ये अगर परिवार वाले दलील दे रहे हैं तो क्या पुलिस इस दलील पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है? देखिए, पुलिस ने अपनी ओर से आज आपको पूछताछ शुरू कर दिया। आज स्कूल के बाहर काफी हंगामा भी मचा था, इस लड़की के परिवार वाले और उनके जो सगे संबंधी उन्होंने काफी हंगामा भी मचा था, लेकिन पुलिस का यही कहना कि इन बच्चों के पास से उन्हें एक छोटी चिट मिली है जिसमें केवल उनके परफॉर्मेंस के अच्छे नहीं होने की बात के आगे को ही लिखकर इन लोगों ने अपनी जान दी है। तो ऐसे में पुलिस के पास सारे विकल्प जांच के ऑप्शन खुले हुए हैं और वे सभी पहलुओं से पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्कूल प्रबंधन अब तक इस पूरे मामले पर सार्वजनिक तौर पर कोई बयान देने सामने नहीं आया है। जी, केजे श्रीवासन संवाददाता बेंगलुरु से जानकारी दे रही हैं। बेंगलुरु से वो बता रहे हैं कि दो छात्राओं ने सिर्फ इसलिए अपनी जान दे दी कि उन्हें होली खेलने से प्रिंसिपल ने मना किया और इसी से नाराज होकर उन्होंने अपनी जान दे दी। ये परिवार वालों का वर्जन है, परिवार वाले ये कह रहे हैं, लेकिन पुलिस को जो अभी तक जानकारी मिली है, खुदकुशी के पीछे कोई और वजह हो सकती है जिसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। घर वालों ने कॉलेज में जमकर हंगामा किया है, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।